हेलो फ्रेंड्स, विंटर फ्लावर्स का अगर बात किया जाए तो डालिया फ्लावर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। डालिया एक विंटर का सभी फ्लावर में से जो है एक बेस्ट फ्लावर होते हैं, जिसका जो है फ्लावर भी अच्छे होते हैं और फ्लावर का साइज भी अच्छे होते हैं। तो इसलिए हम लोग अगर विंटर फ्लावर्स का बात करते हैं तो डालिया को हम लोग बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। जैसे शुरुआत के सीजन में, अभी सीजन जैसे चल रहे हैं, सभी गार्डनर जो है प्लांट्स लगा रहे हैं और नए नए छोटे छोटे कोई कोई जो है सीड्स से भी ग्रो कर रहे हैं और कोई कोई सीडलिंग्स भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जो सीडलिंग्स किए थे, छोटे छोटे प्लांट्स जो बाजार से ला करके मैंने लगाए थे और जिसका जो है आप देख सकते हैं अभी जो है थोड़ा बहुत इसका जो है ग्रोथ हुआ है और अभी जैसे धूप है तो ग्रोथ भी अच्छा ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी शुरुआती तौर पे डालिया प्लांट्स को क्या क्या केयर करना जरूरी होते हैं तो ये सभी अभी बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे, मैं हूँ गोपा और मेरे चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। बात करें अगर सॉइल मिक्स की तो फ्रेंड्स, डालिया प्लांट के लिए जो बेस्ट जो सॉइल मिक्सर जो होते हैं वो मैंने ऐसे बनाए हैं कि मैंने लिए थे 50% मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लिए थे और उसमें से 40% मैंने जो है काउडंग कंपोस्ट इसमें से ऐड किए थे, बिल्कुल जो है पुराने वाले। और आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट होंगे तो वो भी आप ले सकते हैं, चाहे पत्ते वाले खाद भी होंगे जो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप काउडंग कंपोस्ट का बात करते हैं तो वो बहुत ही पुराने वाले होने चाहिए और तभी जो है आप ये जो है डालिया प्लांट्स के लिए खास करके अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। तो ये सभी जो है, और जो है इसमें 10% मैंने मिलाए थे सैंड। तो मैंने भी 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% काउडंग कंपोस्ट और 10% सैंड, इस तरह से पॉटिंग सॉइल मैंने बहुत अच्छा तरह से मैंने बना लिए थे बिल्कुल। उसके बाद जो है मैंने सभी डालिया प्लांट को मैंने जो है ऑयल के कैन में मैंने लगाए थे, क्योंकि ऑयल के कैन में जो 5 लीटर वाला मेरा जो है जार होते हैं और उसमें से काफ़ी सारे जो है मिट्टी और सॉइल मिक्स काफ़ी सारे जो है स्टोर हो जाते हैं। और डालिया प्लांट्स के लिए खास करके ज़्यादा मिट्टी और खाद का ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि उसमें से बल्ब बनते हैं जड़ों में और बहुत जो है मोटे मोटे बल्ब बनते हैं, तो उसको जो है ना स्पेस ज़्यादा चाहिए होते हैं डालिया प्लांट्स के लिए। इसीलिए कोशिश करें कि डालिया प्लांट को जब भी आप लगाएं तो बड़ा सा पॉट में ही लगाएं, चाहे बड़ा सा बाल्टी वगैरह अगर आपके पास हो तो उसमें लगाएं, तो जो फ्लावरिंग अच्छे होते हैं। तो सॉइल मिक्स, इस तरह से सॉइल मिक्स बना करके मैंने जो लगा दिए थे, तो अभी जैसे ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो अगर इस टाइम में तो इसको जो अगर धूप पे धूप की बात करते हैं तो इसमें अभी जो पूरा जो फुल सनलाइट का ज़रूरत होते हैं और जितना सनलाइट डालिया प्लांट्स के लिए चाहिए, चाहे विंटरिंग फ्लावरिंग वाला प्लांट के लिए जितना भी सनलाइट अच्छा हो उतना ही जो है फ्लावरिंग भी अच्छे होते हैं। तो ये तो हो गया सनलाइट का बात। अगर बात करते हैं इसका खाद वगैरह का, तो फिर अभी जैसे शुरुआत है, अभी अभी प्लांट्स जो है जो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो अभी इस पर कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अभी नहीं देती हूँ इस टाइम में कोई भी फर्टिलाइजर प्लांट को अभी, लेकिन जब भी थोड़ा सा जो हेल्दी हो जाएगा और प्लांट, तभी मैं इस पर फर्टिलाइजर दूंगी। लेकिन अभी जो खास इस पर जो जोड़ी है करना वो है सभी प्लांट को जो है सपोर्ट का भी ज़रूरत होते हैं, क्योंकि प्लांट सभी लंबे हो रहे तो थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट मिल जाए इस तरह से जो है आप लकड़ी के सहारे जो है सभी प्लांट को आप सपोर्ट देते रहे, ताकि प्लांट को जो है बढ़ने में मदद मिले। और इस तरह से देखिए सभी प्लांट को हम सपोर्ट दे देंगे ताकि जो है प्लांट को बढ़ने में एक मदद मिले, ताकि प्लांट जो है बहुत जल्दी लंबे हो। तो देखिए इस तरह से मैं जो है सब प्लांट को सपोर्ट दे रही हूँ। और फिलहाल मैं तो बता चुकी हूँ कि अभी कोई भी फर्टिलाइजर मैं इस पर दूंगी नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ जो बड़ा होगा, कलिया थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा, तभी इस पर मैं दूंगी मस्टर्ड किक का बहुत लाइट करके फर्टिलाइजर मैं देती हूँ, उसी में मेरा जो है बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो जाते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहते हैं तो गोबर का जो कंडे जो होते हैं वो
आप पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद उसी पानी को जो है 2 दिन तक भिगो के रखिए, 2-3 दिन तक भिगो के रखिए। उसके बाद उसी पानी को आप जो है फर्टिलाइजर के तौर पे, लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पे जो है आप अपना डालिया प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो गोबर का जो खाद जो होते हैं काउडंग कंपोस्ट होते हैं उसी को जो है आप पानी में भिगो दीजिए 2-3 रोज तक, और उसको जो है लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पे आप जो है इस प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी तो जैसे बता चुकी हूँ, अभी मैं जो है कोई फर्टिलाइजर नहीं दूँगी, लेकिन जो जैसे थोड़ा दिन बाद हो जाएगा तो एक एक मुट्ठी भर फर्टिलाइजर मैं काउडंग कंपोस्ट मैं सभी प्लांट को ऊपर से मैं ऐसे ही रख दूँगी। मैं इस जब भी करूँगी ये काम तो आप लोग के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी इस बात को, इस काम को। तो इसी तरह देखिए मेरा जो सभी प्लांट को जो है सपोर्ट मिल गया है, और आगे मैं रिजल्ट आपको ज़रूर बताऊंगी इस प्लांट को जैसा रिजल्ट मिलते हैं कैसा और ग्रोथ होते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।